ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नेपाल से है, जहां सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में बीते दिन सावन का दूसरा सोमवार था, वहीं भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी सावन की धूम देखने को मिल रही है। नेपाल भारत के सरहद से लेकर नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर तक भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद नेपाल में हिंदू आस्था को और बढ़ावा मिला है, जिसके लिए नेपाल के तमाम शिव भक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है। चलिए देखते हैं। महाराजगंज जनपद स्थित भारत नेपाल के बॉर्डर पर नेपाल में नौडी हवा में झारखंडी जगन्नाथ महादेव शिव मंदिर में नेपाल और भारत दोनों देश के शिव भक्तों ने सावन के दूसरे सोमवार को हाथ में जल और पूजा का सामान लिए भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक किया। नेपाल के रहने वाले गंगाराम प्रांजुल ने बताया कि सावन के महीने में नेपाल में बड़ी धूम और आस्था रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल में डर के बाद नेपाल में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों में हिंदू आस्था को लेकर और बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद नेपाल के हिंदुओं के समाज के लोग हिंदू आस्था को लेकर और आगे आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत से सटे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में। आपको बता दें, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की एक कहानी है, एक आस्था है। इस मंदिर का नाम है झारखंडी जगन्नाथ मंदिर। आपको हम मंदिर में ले चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो है विराजमान है। यहाँ पे जो लोग मान्यता लेकर के आते हैं उनकी भगवान मुरादे हमेशा पूरी करते हैं। जो सावन में सच्चे मन से जलाभिषेक करते हैं, भगवान उनकी मुरादे पूरी करते हैं। आपको इसकी कहानी जो है आपको बताते हैं। कुछ समय पहले जो है, लगभग आज से 100 साल पहले लगभग, जो यहाँ पे चरवाहे थे उनके द्वारा जो है भैंस चराते थे, और भैंस चराने के दौरान जो है नदी से एक रोने की आवाज आई, और जब रोने की आवाज आई तो तमाम लोग वहां पे इकट्ठा हुए और जा करके वहां पे देखने लगे। तो देखे वहां पे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वह नदी में देखे जा करके अंदर तो पता चला कि एक भगवान शिव शंकर का वहां पे एक शिवलिंग जो है पानी से निकल रहा है। उसके बाद वहां से भगवान भोलेनाथ को उठा करके भारत में लेकर के जाने लगे और सोचे कि वहां पर ले जा करके वहां पे इनको स्थापित करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। आपको दिखा दें कि वही भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग है जहां पे रख दिए, और रख करके वो इस जंगल में विश्राम करने लगे। विश्राम करने के दौरान जो है उनको नींद आ गई। जब वो नींद से उठे तो देखे कि भगवान शिव शंकर यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बाद जो है उनको यहाँ से उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम लोगों को इकट्ठा करके उनको हिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो यहाँ से हिल नहीं सके। आपको बता दें, उस समय उस जमाने में हाथिया लोग पालते थे, और हाथी को ला करके यहाँ से रस्सा में बांध करके जो है हाथी से भी खींचने का प्रयास किया गया, बैलगाड़ी से भी खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन जो है इनको यहाँ से टस से मस हिला नहीं सके। आइए हम यहाँ पे कुछ शिव भक्त हैं उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे उनकी भगवान शिव शंकर किस तरह से मुरादे पूरी करते हैं और यहाँ पे किस आस्था विश्वास के साथ लोग यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम कृपाल रोहनियार। हमारा ग्राम में फरेबी रहने वाले हैं जी, और सुनौली भी हमारा कपड़े की दुकान है। कब से आप यहाँ पे आते हैं? यहाँ हमको हो गया 25 से 30 साल। अच्छा, इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है? मान्यता यही है, शुरू से जैसे नदी के किनारे निकले और वहाँ सब भैंस के चरवाहे चरा रहे थे, उसके बाद वो आवाज दे रहे थे हमको, निकालिए निकालिए निकालिए, लेकिन जब जग गए चरवाहा लोग, उनका चंद्रिका नाम था मिश्रा, तो गए देखे तो वो निकाल करके ले आए, और जब निकाल करके ले आए तो यहाँ रख दिए। भाई वहां से लाने में तो वजन तो है ही है, और ले आ करके जब यहाँ रख दिए तो सोचे हम लोग गाँव पर ले चलेंगे फरेनी और वही मंदिर वंदिर बनाया जाएगा, लेकिन ले जा नहीं पाए। और यहाँ जब रख लिए तो वहां से टायर हाथी गांव के जनता आया, लेकिन टस से मस हुए नहीं। लेकिन मतलब काफी प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ से भगवान हिले तक नहीं। नहीं नहीं, और यहाँ से बहुत प्रयास किए लेकिन गांव पर नहीं गए, तो क्या कर, मजबूरन यहाँ लगा देना पड़ा, यहाँ खड़ा कर देना पड़ा, मंदिर बना देना पड़ा। छोटा मोटा मंदिर था, अब तो मतलब सर सफाई ज्यादा है, पहले उतना नहीं था, जंगल झाड़ी था, अब ये साफ सफाई बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है, अच्छा भी लगता है, बस यही है। मतलब तब से यहीं पे स्थापित हो गए? हाँ, तब से ही है। और यहाँ पे कब कब मेला लगता है?
यहाँ वही शिवरात्रि के मेला लगता है, गाना बजाना सब दौर दुकान आता है, बढ़िया से कार्यक्रम होता है, भंडारा वंडारा सब होता है शिवरात्रि के दिन, और सावन में तो डेली के डेली मेला है। मैं यही सिद्धार्थ नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 बेलैया निवासी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शांत कुमार शर्मा है और मैं नेपाल भारत मैत्री समाज रूपंदेही का अध्यक्ष हूँ। मैं तो देखिए लगभग 64 साल का उम्र हो गया, लगभग 5 साल से मैं हूँ। जब 5 साल का मेरा उम्र था तब से ही मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो है इस मंदिर को थोड़ा उन्होंने जीर्णोद्वार कराया था, अब तो नहीं रहे वो स्वर्गीय हरिप्रसाद शर्मा जी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया और हम लोगों से उन्होंने कहा कि बेटा जो है ये मंदिर जो है बहुत ही प्रतिष्ठित है और जो भी मान्यता है जो भी यहाँ जो मांगते हैं वो इच्छा जो है महादेव जी पूरा करते हैं, इसलिए तुम लोग इस मंदिर का संरक्षण करते रहो और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम गंगाराम प्राजुल है, मैं नेपाल के बॉर्डर में रहता हूँ। अब सावन के महीना में शिव जी के भक्त लोग बहुत आस्था है, देवादिदेव महादेव पर सभी का आस्था है, क्योंकि वही भगवान संहार करता है और पालन करता है, हारण करता सब हैं, इसलिए सावन में सब लोग जल अर्पण करने के लिए जलाभिषेक करने के लिए लाइन से लगे हुए हैं। अभी तो थोड़ा भीड़ कम हुआ, नहीं तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पर। और ये आस्था नेपाल में बहुत है और भारत के प्रधानमंत्री के चलते और जब नेपाल में भ्रमण हुआ था उनके चलते हमारे हिंदू लोग और आगे आए हैं आस्था पर। उन्होंने भक्ति भाव से सभी देवों का प्रार्थना करते हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना उसके लिए नेपाल के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया बात है। और जैसे ऐसे धार्मिक स्थल है इन लोग को बढ़ाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री योगी भी बहुत सक्रिय हैं। इन लोग को हमारी नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान शिव जी इन लोग को सदा खुश रखे और लंबी उम्र दें। नेपाल से सीनू संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।